खुद पर बने हर चुटकुले, हर उस फॉरवर्डेड मीम्स को आजकल जो चुपचाप सहते हैं, ये उनकी कहानी है जिन्हें हम गुरु, मैडम, सर या अपना टीचर कहा करते हैं। हाँ, ये वही हैं जिनकी क्लास में अक्सर तुम छुपकर टिफिन खाया करते थे, होमवर्क तो घर पर छूट गया मैडम ऐसे बहाने बनाया करते थे। ये वही हैं जो तुम्हारी गलतियों पर अक्सर तुम्हें टोक दिया करते थे, जो गलतियां औरों ने की वो तुम्हें करने से रोक दिया करते थे। पर अब ना वो रोकना है ना टोकना है, सब कुछ जैसे फाइन हो गया है। अरे अब तो स्कूल भी ऑनलाइन हो गया है, अब तुम होमवर्क करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है, टीचर्स की डांट से अब कहाँ कोई बच्चा डरता है। पर काश काश तुम समझते कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर वो अरमान रखा है, इस मुसीबत के समय में कहीं तुम पीछे ना छूट जाओ इसलिए तुम्हारा हाथ थाम रखा है। कईयों की सफलता का वो अनकहा सा वजूद रहे हैं, तुमको आगे बढ़ाकर पीछे हमेशा खुद रहे हैं। मीलों दूर घर बैठकर स्क्रीन को घूर कर सिखाना आसान नहीं होता है, कितनी भी दिक्कतें झेलनी पड़े पर तुम्हें सिखाना एहसान नहीं होता है। वो हिंदी के मैडम जो तुम्हें कविता सिखाया करती थी पूरे क्लास में घूमकर, आज उनकी कविताएं मिलती हैं यूट्यूब और जूम पर, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम इस देश के भविष्य हो, तुम्हें अभी हासिल वो मुकाम करना है, आगे चलकर तुम्हें रोशन उन सब का नाम करना है। तो चलो आज थोड़ा सा वक्त निकाल कर उनका हौसला बढ़ाया जाए, इस जंग में वो अकेले नहीं हैं, तुम भी उनके साथ हो ये उन्हें बताया जाए, क्योंकि ये वो योद्धा हैं जिन्होंने अब तक हार नहीं मानी है, इस मुश्किल के दौर में भी हमारे भविष्य की नींव ठानी है। तो आज के दिन सलाम करते हैं हम ऐसे टीचर्स को, विश यू अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे।